तो भाई लोग सामने गर्ल डांस कर रही है और ट्रेन आ रही है, पता नहीं इसका क्या होगा। लेकिन ये क्या, ट्रेन अपने पीछे हो गई भाई, उससे टकराते हुए पीछे हो गई, तो ये कैसे हो गया। तो और यहाँ पर मैंने बाइक उठाई तो अपने आप एक बफेलो आई और मेरी टक्कर मार दी और मैं बहुत दूर जाके गिरा जाकर। और ये क्या हुआ, बफेलो मेरी तो हालत खराब करने वाली है। और ये देखो बफेलो बार बार मुझे उठा उठा के पटक रही है, तो ये तो बहुत खराब होने वाला है मेरे साथ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ मिथ्स जो आपने कमेंट्स में बताए हैं। तो पहला मिथ, घर के पास एक चेक पॉइंट लगाओ, फिर उसके अंदर से जाओ ट्रेन के पास, फिर स्लो मोशन ऑप्शन दबाओ, फिर देखो मैजिक। और मैं आ चुका हूँ अपने घर के पास, अब मैं मंगा लेता हूँ चेक पॉइंट को जो M1 से आते हैं। तो चेक पॉइंट मैंने लगा दिया, अब किसी भी बाइक को मंगा लेते हैं। तो बाइक मेरी आ चुकी है और अब बाइक को मुझे चेक पॉइंट में टच कराना है। तो बाइक को पहले पीछे करेंगे और पीछे करके चेक पॉइंट से टच करा के मैं यहाँ से चलूंगा। तो बाइक को मैंने चेक पॉइंट से टच करा लिया, अब चलते हैं ट्रेन स्टेशन पर। और जब तक मैं ट्रेन स्टेशन पर जा रहा हूँ तब तक आप लाइक सब्सक्राइब कर लो। और मैं आ गया हूँ ट्रेन स्टेशन पर और मुझे ट्रेन पर बैठना है, तब स्लो मोशन वाले बटन पर क्लिक करना है, तभी होगा मैजिक। ये भाई ने मिथ्स में बताया नहीं था लेकिन ये करना है, तभी होगा मैजिक। और मैं ट्रेन पर बैठ चुका हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर संभल के देख लेना है कि क्या मैजिक होने वाला है। अब मुझे क्लिक करना है स्लो मोशन वाले बटन पर, और जैसे मैंने क्लिक किया ये क्या, ट्रेन अपने आप घर पे आ गई। ये ऊपर मैं कहाँ आ गया हूँ, यही मुझे स्लो मोशन में दिखाना है। तो देखो मैंने स्लो मोशन में जैसे दिखाया तो ट्रेन मेरे घर पर आ चुकी है और ये मिथ्स होता है बिल्कुल सही। अगला मिथ है, ट्रैक्टर की ट्रॉली पर स्टिकी बम लगाओ पर ट्रैक्टर ब्लास्ट नहीं होगा। और अब मैं मंगा लेता हूँ ट्रैक्टर को, तो ट्रैक्टर का चीट कोड है 5643। तो ट्रैक्टर हमारा आ चुका है, अब मुझे कुछ नहीं इसमें स्टिकी बम लगाना है। तो स्टिकी बम मुझे ट्रॉली में लगानी है, तो ट्रैक्टर की ट्रॉली में मैं स्टिकी बम लगा रहा हूँ। और यहाँ पर जाना नहीं लगानी है मुझको, क्योंकि जाना लगा देंगे तो ट्रैक्टर में भी ब्लास्ट हो सकता है। तो यहाँ पर पीछे लगा रहा हूँ मैं, ट्रॉली में इतने स्टिकी बम रहने देता हूँ। अब मुझे पीछे हटके, इससे दूर हटके ब्लास्ट करना है, तो मैं थोड़ी दूर जाऊंगा, पहले दूर जाना है मुझे। और मैं दूर आ चुका हूं तो मुझे ब्लास्ट करना है। तो ये क्या, मैंने जैसे ब्लास्ट किया यहां पर स्टिकी बम ब्लास्ट हो चुके हैं लेकिन ट्रैक्टर में कुछ नहीं हुआ यार। और ये मिथ बिल्कुल सही है। और अगला मिथ है, KTM और JCB को एक साथ ड्राइव करो मैजिक होगा। और अब मैं मंगा लेता हूं KTM को, तो KTM का चीट कोड 1210 है। तो KTM आ गई है और अब मुझे मंगाना है JCB को, JCB का चीट कोड आपको पता है नहीं पता है तो 6677 है। और अब मुझे KTM को ऐसा खड़ा करना है कि दोनों एक साथ ड्राइव हो जाए, तो मुझे पीछे जाना है और KTM को बिल्कुल JCB के पास में खड़ा कर देना। तो मैं पीछे आ चुका हूँ, JCB को बिल्कुल पास में खड़ा कर दिया है KTM को, तो मुझे अब उतरना है और अब इनके बीच में मुझे खड़े हो जाना है, क्योंकि जब दोनों पर ड्राइव एक साथ करने का आ जाए तब मुझे ड्राइव करना है। तो दोनों पर ड्राइव एक साथ करने के लिए आ गया लेकिन JCB हट गया, लेकिन अब आ गया, दोनों पर ड्राइव करते हैं एक साथ। और मैंने जैसे ही एक साथ ड्राइव किया तो मैं JCB के अंदर घुस चुका हूँ। लेकिन ये क्या मैजिक हो गया, JCB के कंट्रोल बटन सारे गायब हो गए, पर KTM के सारे कंट्रोल बटन आ चुके हैं और मैं JCB को चला रहा हूँ और KTM को भी, लेकिन JCB कंट्रोल बटन सारे गायब हो गए। और ये मिथ बिल्कुल सही है। और अगला मिथ है, हॉर्स और साइकिल को एक साथ ड्राइव करो मैजिक होगा। तो मैं मंगा लेता हूँ हॉर्स को, तो हॉर्स का चीट कोड 2000 है। तो हमारा हॉर्स आ चुका है, अब इसी के पास में मुझे मंगाना है साइकिल को। तो साइकिल का चीट कोड आपको पता होगा, नहीं पता है तो देख लो, 4x11 डायल करोगे तो साइकिल आ जाएगी। तो मेरी साइकिल बहुत लेट आती है, तो साइकिल आ चुकी है। अब इसको मुझे घोड़े के बिल्कुल पास, यानी कि हॉर्स के बिल्कुल पास खड़ी करना है। तो मैं पीछे जाके हॉर्स के पास साइकिल को खड़े करके ड्राइव करूंगा। और मैंने साइकिल को हॉर्स के पास बिल्कुल खड़ी कर दी, अब मुझे दोनों पर एक साथ ड्राइव करना है। और मैंने जैसे एक साथ दोनों पर ड्राइव करने का ऑप्शन आया और जैसे मैंने ड्राइव किया तो देखो क्या मैजिक हो गया। और मैजिक क्या, फ्रैंकलिन देखो कैसे साइकिल से ऊपर आ गया, ये क्या हुआ यार, ये और ये नीचे आ गया भाई, ये क्या हुआ। जैसे मैंने पीछे की लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा है, ये अपने पैर ऊपर नीचे कर रहा है। और मुझे अब क्या करना है, अब मुझे हॉर्स को चलाना है। तो हॉर्स को चलाने के लिए यहाँ पर जो बटन होती है ना ब्रेक की, जैसे उस पर टैप किया तो हॉर्स चलने लगा और उसके साथ फ्रैंकलिन जा रहा है। यार ये मिथ बिल्कुल सही है। और अगर आप यहाँ तक लो वीडियो देख रहे हो तो क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर आप P17 को स्पोन करके, मोड ऑन करके P17 को मूव करके JCB पे बैठ के JCB का कोई सा भी बटन प्रेस करके देखो मैजिक। और मैंने P17 वाले प्रोप्स को मंगा लिया है, अब मुझे मोड तो मेरा पहले से ऑन है, मुझे UI ऑन करना है क्योंकि ये बटन मेरे सारे दिखने लगे, तो बटन सारे दिखने लगे। अब मुझे इस प्रोप्स को इधर से उधर मूव करना है, तो मैं प्रोप्स को मूव कर रहा हूँ। अब मुझे ऊपर नीचे करना है तो मैंने ऊपर नीचे कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना है, JCB को मंगाना है। और मैं इधर तो JCB को नहीं मंगा सकता लेकिन इधर मंगाना है मुझे, तो प्रोप्स भी मेरा इधर आ चुका है। तो JCB का मुझे चीट कोड डालना है, आपको तो पता होगा, नहीं पता तो देख लो, पहले मैंने बता दिया तो इस बार भी देख लो। और JCB मेरा आ चुका है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, JCB पर ड्राइव करना है। और मैं JCB पर ड्राइव कर चुका हूँ और अब मुझे चेक करना है JCB के बटन काम करते हैं कि नहीं। तो जो पीछे वाला फन है इसके बटन जो आप दबाओगे
करोगे तो वो काम नहीं करेंगे। तो देखो जैसे मैं कर रहा हूँ तो इसका कुछ नहीं काम हो रहा है। और अब तो ये कन्फर्म होता है कि ये पीछे वाले जितने बटन है तो इनसे कुछ नहीं होने वाला है। अब आगे वाले बटन ट्राई करते हैं। तो जैसे मैंने आगे वाले बटन ट्राई किए तो वैसे ही मेरा प्रोप्स ऊपर नीचे जाने लगा। इससे ये कन्फर्म होता है कि आगे वाले बटन से ये प्रोप्स ऊपर नीचे जाता है। ये आगे वाला जब फन उठेगा जेसीबी का तभी ये प्रोप्स आगे पीछे जाएगा। और ये मिथ बिल्कुल सही है। और अगला मिथ ये है, फन ट्रैक पर जाओ, डांसिंग गर्ल को स्पॉन करो, ट्रेन स्टार्ट करो, ट्रेन के साथ ग्लिच हो जाएगा। और फन ट्रैक का मतलब है ट्रेन की पटरी। तो ट्रेन की पटरी पर मैं आ गया हूँ और डांसिंग गर्ल को स्पॉन करा दिया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, ट्रेन को ड्राइव करना है और ट्रेन को चलाना है। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में कोई सा मिथ कमेंट कर दो। और मैंने कर लिया है ट्रेन पर ड्राइव और कुछ नहीं अब करना है, मुझे करना है ट्रेन को स्टार्ट और करते ले जाना है डांसी गर्ल के पास। तो मेरी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है और ट्रेन बिल्कुल धीरे धीरे जा रही है। पता नहीं स्पीड क्यों नहीं खींच रही है, लेकिन डांसिंग गर्ल थोड़ी ही दूर है और ट्रेन डांसिंग गर्ल से टकरा गई। और ये क्या हुआ यार, ट्रेन पटरी से उतर चुकी है यार, ये क्या हुआ। और मैं ब्रेक मार रहा हूँ, ब्रेक नहीं लग रही, ट्रेन ऑटोमेटिक पीछे जा रही है और ट्रेन रुक ही नहीं रही है, ऑटोमेटिक पीछे जा रही है। तो ये मिथ बिल्कुल सही है। और अगला मिथ, स्टेप 1 प्लेस द ग्राउंड स्टिकी बॉम्ब, स्टेप 2 इन्फिनिटी हेल्थ चीट कोड, स्टेप 3 सुपर जंप, स्टेप 4 स्टिकी बॉम्ब बाज टच द बॉडी फ्रैंकलिन, स्टेप 5 सिट ए कार बाइक एंड सी मैजिक। तो देखते हैं क्या मैजिक होने वाला है। अब यहाँ पर मैं स्टिकी बॉम्ब लगा देता हूँ बहुत सारे। तो मैं स्टिकी बॉम्ब लगा रहा हूँ, तब तक आप लाइक सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर लो। और देखो यहाँ पर मैं कितने सारे स्टिकी बॉम्ब लगा रहा हूँ, धीरे धीरे लग रहे हैं। ऐसा होता कि एक बार लग जाते तो कितना मजा आता। तो स्टिकी बॉम्ब धीरे धीरे लग रहे हैं और जल्दी से लग जाए, जल्दी से यार। तो मैं इतने ही स्टिकी बॉम्ब लगाऊंगा और मैं इनफिनाइट हेल्थ का चीट कोड एक्टिवेट कर लेता हूँ। 9129 चीट कोड है तो मैंने एक्टिवेट कर लिया है। और अब मुझे कुछ नहीं करना है, सुपर जंप का चीट कोड एक्टिवेट करना है स्टिकी बॉम्ब के ऊपर जाकर। और मैं स्टिकी बॉम्ब के ऊपर जाऊंगा और चीट कोड एक्टिवेट कर लूंगा। चीट कोड क्या है, 1216, तो 1216 डायल मैंने कर लिया है। और अब मुझे जंप करना है। तो जैसे मैंने जंप की और मैं ऊपर आ चुका हूँ। और जब तक फ्रैंकलिन नीचे गिर रहा है तब तक आप ये वीडियो अपने किसी भी दोस्त के पास शेयर कर दो। लगता है फ्रैंकलिन के ये सारे स्टिकी बॉम्ब चिपट जाएंगे, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। और ये सही बात हुई, स्टिकी बॉम्ब फ्रैंकलिन के सारे चिपट गए हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना है, किसी कार या बाइक को ड्राइव करना है। तो ये रही मेरी सामने कार, मुझे इसी के पास जाकर ड्राइव करना है, फिर देखते हैं क्या मैजिक होगा। तो मैं जल्दी से कार के पास जा रहा हूँ और ड्राइव करके देखेंगे कैसा मैजिक होगा। तो देखते हैं कैसा मैजिक होने वाला है। और मैं कार पर ड्राइव कर रहा हूँ और ये क्या हुआ, कार ऑटोमेटिक ऊपर उड़ने लगी। ये कैसा मैजिक हो गया, ये क्या हो रहा है, मेरे फोन में जैसा लेक कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये कार ऑटोमेटिक ऊपर नीचे हो रही है, तो ये मिथ बिल्कुल सही है। और अगला मिथ, अगर आप चीट कोड 10 डायल करते हो जिससे बुल आता है तो दो दो बुल एक साथ आते हैं, प्लीज ट्राई वन मोर। और यार ऐसे कब से होने लगा, पहले तो एक आते थे अब दो कैसे आने लगा। तो 10 डायल करते हैं चीट कोड, 10 मैंने डायल किया तो ये देखो एक आ गया और ये एक ही आया और ये क्या आया, दो हो गए, एक नहीं आया दो आ गए। तो मैं ये ऊपर आ चुका हूँ इसीलिए एक चल नहीं रहा, एक चल रहा है। मैंने दोबारा फिर ट्राई किया और एक आया और वो जाम हो गया, रुक गया, मतलब एक दूसरा और आ गया। यार ये क्या, सच में दो दो आ रहे हैं। तो ये मिथ बिल्कुल सही है। और आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको भी मिथ्स पता है तो कमेंट में जरूर बता दो और लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।